पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग IMD की माने तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश हो सकती है। मालूम हो कि दिल्ली NCR में बीते दो रातों में बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के चलते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। अगर आज 17 जून के तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। दिल्ली में आज दिनभर बादल छाए रह सकते हैं और साथ ही बारिश की भी संभावना नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। लखनऊ में आज बारिश की भी संभावना है। वहीं गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री रह सकता है। गाजियाबाद में भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। गाजियाबाद में आज से अगले दो दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं बिहार में भी गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना है। आंधी तूफान के साथ बारिश के चलते तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा। इंदौर में आज न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाली 19 जून तक पूरे प्रदेश में प्री मानसून शावर बरसेंगे, जबकि 23 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून प्रवेश कर जाएगा, जिससे कहीं कहीं बारिश संग बिजली भी गिर सकती है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में मानसून की जल्द एंट्री हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की एंट्री लेट हो रही है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण बंगाल में 2 या 3 दिनों में बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।